नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। बीएचओ में अपनी 3 सूत्रीय मांगों के साथ छात्र धरने पर बैठे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रावास बिरला तथा लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल के छात्र बुधवार की शाम अचानक धरने पर आ गए। छात्रों के अचानक धरने पर आने से मुख्य सुरक्षा अधिकारी सहित प्रॉक्टोरियल बोर्ड के लोग इकट्ठा हो गए। छात्र हॉस्टल के सामने बैठकर मार्ग को रोक दिए। छात्रों की मांग है कि उनके सेमेस्टर 2 और 4 की कक्षाएं 12 मार्च से 15 अप्रैल तक चली हैं, जिनमें होली जैसे बड़े पर्व व साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं। अदर सेमेस्टर 2 और 4 के लिए कुल कक्षाएं लगभग 20 दिनों की रही हैं, जो उचित पठन पाठन के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः हम छात्रावास के CGPA आधारित आवंटन की घोर निंदा व विरोध करते हैं। छात्रों ने कहा कि 2021 के स्नातक छात्रों का छात्रावास शुल्क 1180 रुपए था, जो सत्र 2022 व 2023 के छात्रों के लिए 143.64% की वृद्धि के साथ 2875 रुपए कर दिया गया है। वह इस शुल्क को भी 6 मासिक कर दिया गया है, जो 2018 के हॉस्टल मैनुअल के अनुसार वार्षिक होना चाहिए था। इस नए नियम से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होगा। कला संकाय के सेमेस्टर 2 और 4 की कुछ परीक्षाएं जुलाई 2024 तक होनी निश्चित हुई हैं। इन परीक्षाओं के चलते हम अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश में छात्रावास खाली करने में असमर्थ हैं। हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं छात्रावास को लेकर। हम लोग को ये झूठे भरमाया जा रहा है कि जून महीने में आप लोग का छात्रावास खाली कराया जाएगा, उसके बाद 1 महीने बाद आपको पुनः छात्रावास में रख दिया जाएगा। लेकिन ये सरासर झूठ है। जो यहाँ के डीन है वो हम लोग को एक साइन करके दे दें कि आप लोग के छात्रावास जो लोग रह रहे हैं वो 1 महीने बाद पुनः वही छात्र रहेंगे। CGPA बेस पे कोई लड़के यहाँ नहीं अलाट होगा, क्योंकि कई सारे हमारे भाई हैं जो कश्मीर से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, वो इसीलिए यहाँ आए हुए हैं क्योंकि उनको हॉस्टल मिला है। हॉस्टल नहीं मिलता तो यहाँ नहीं आते वो, या वो कहाँ जाएंगे? वो यहाँ के वातावरण में अनुकूल है उनके लिए? नहीं है। वो छात्रावास उनके लिए अनुकूल है? छित्तूपुर में ठंडा पानी नहीं मिलता, ठंडा पानी कहाँ ढूंढेंगे? पैसा खर्च करेंगे? कई सारी समस्याएं हैं। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले काशी पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर तंज कसा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बुधवार को वाराणसी के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राहुल खटाखट लोगों के खाते में पैसे भेजने की बात कर रहे हैं, उनको यह नहीं मालूम है कि 4 जून को जब वह रिजल्ट देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि फटाफट करते हुए लोगों ने मोदी जी के फेवर में रिजल्ट दिया है। रामदास अठावले ने कहा कि आज सारे देश में NDA सरकार की लहर चल रही है। सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति दक्षिण भारत में है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता नाना पटोले द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रावण कहे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, योगी एक संत हैं और सारे लोगों को उनके कार्य क्षमता के बारे में पता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज अपने बेहतर कार्यों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर भी उम्मीद से ज्यादा सीट जीतने का कार्य NDA गठबंधन करेगी। पूर्वांचल के प्रचार में मैं आया हूँ यहाँ, मतलब जो मछली शहर भदोही, ये 2 लोकसभा सीटों पर आज योगी आदित्यनाथ जी की सभा है, वहाँ मैं आज जाने वाला हूँ। उसके साथ साथ कल मतलब लालगंज है, जौनपुर है, वहाँ भी मतलब प्रोग्राम रखे गए है, उसमें मैं जाने वाला हूँ। और बनारस की जो सीट है वाराणसी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, यहाँ आज जो शाम को कुछ प्रोग्राम हो गए तो भी मैं अटेंड करने वाला हूँ। और यहाँ जो BJP का ऑफिस है वहाँ भी मैं भेंट करने वाला हूँ। और कल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी की जो जयंती है, तो इस जयंती के अवसर पर मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ और सारनाथ में पहली बार मैं बुद्ध जयंती मनाने के लिए मैं इधर आया हूँ और मैं कल सुबह सारनाथ में जाने वाला हूँ। तो इसी तरह मतलब जो पूर्वांचल की 35 सीटें है, 35 सीटों पर BJP और NDA को आप चुनकर दीजिए, ये आह्वान करने के लिए मैं आज यहाँ वाराणसी आया हूँ। पीएम मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान मंगलवार को बजरंगबली के दरबार में पहुंचे। वहां उन्होंने बाबा से चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CM योगी आदित्यनाथ के साथ मंगलवार की शाम संकट मोचन दरबार में शीश नवाया। इस दौरान हनुमंत लाल की स्तुति कर आरती उतारी, वहीं लोकसभा चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगा।
पीएम व सीएम के आगमन के मद्देनजर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही। नारी शक्ति सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम मोदी व सीएम योगी संकट मोचन मंदिर पहुंचे। यहां महंत विश्वंभर नाथ मिश्र ने पीएम व सीएम का स्वागत किया। उसके बाद अपने साथ मंदिर के अंदर लेकर गए पीएम मोदी ने शिव के रुद्रावतार हनुमान जी की स्तुति की। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने उन्हें प्रसाद स्वरूप आरती और माला दी। इसके बाद पीएम ने मंदिर की परिक्रमा की और परिका के लिए रवाना हो गए। मंगलवार को संकट मोचन में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। पीएम के आगमन के मद्देनजर कुछ समय के लिए आम श्रद्धालुओं का दर्शन रोक दिया गया था। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखा। इस दौरान खूब जय श्री राम के नारे लगे। वहीं हर हर महादेव का उद्घोष से माहौल गुंजयमान हो उठा। बुलेटिन क्षेत्र में चल रही केमिकल फैक्ट्री में अचानक से आग लगने से दीवारें चिटकने लगी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। चौक थाना अंतर्गत बुलेटिन क्षेत्र के एक मकान में बुधवार को अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते मकान से आग की तेज लपटें निकलने लगी। आग इतनी विकराल थी कि मकान की दीवारें चटकने लगी। पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास के लोग घर से बाहर निकल आए। आग की भयावता को देखते हुए क्षेत्र की बिजली काटी गई। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी रही। आग लगने का कारण मकान के निचले फ्लोर पर केमिकल का स्टोरेज बताया जा रहा है। चीफ फायर ऑफिसर आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि लगभग 2:30 बजे हमें सूचना मिली, जिस पर हमारी टीम यहां पहुंची। बताया कि निचले तल पर केमिकल का स्टोरेज था, उसी के कारण आग लगी। आग सकरी गलियों में लगे होने के कारण काफी मशक्कत के बाद काबू पाई गई। घनी आबादी में इस तरह की फैक्ट्री की जांच की जाएगी। मौके पर थाना प्रभारी चौक विमल कुमार मिश्रा, पीएलई चौकी इंचार्ज प्रकाश सिंह चौहान, क्षेत्रीय पार्षद संजय केसरी, पार्षद इंद्रेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। लगभग 2:30 बजे के करीब जो है एक कॉल आया फायर कंट्रोल रूम में कि आग लगी हुई है। पीएलई थाना के पास में कोई बुलेटिन मंदिर है। मौके पर जो है तुरंत फायर टेंडर एक रवाना किया गया, साथ में सप्लीमेंट्री 2 वाटर टेंडर और हमने पानी को रिप्लेनिश करने के लिए हमने रवाना किया। यहाँ पर आकर के देखा कि कुछ केमिकल है, इनके पास केमिकल का स्टोरेज टाइप का था ग्राउंड फ्लोर पे, उसी के कारण शायद आग लगी। तो हमारे जो बहादुर कर्मी हैं फायर के, उन्होंने आग पे जो है पहले तो होजेज भी छाए, 5-6 होज लगे क्योंकि रोड से और अंदर काफ़ी सकरी गली है, एक बाइक जा सकती है बस, तो 5-6 होज भी छाए। उसके बाद फिर उन्होंने फायर फाइटिंग की और आग को पूर्ण तरह जो है बुझा दिया गया। अब चूंकि जो समय लगा वहाँ से होल बिछाने में, क्योंकि वो मेन रोड से लगभग समझ लीजिए 150 या 200 मीटर अंदर है, वही टाइम लगा। बाकी तो आग बुझाने में ज़्यादा समय नहीं लगा हो, ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी नहीं है अगर कहेंगे तो, ये लो टाइप की फायर थी। पर हाँ ये जरूर देखेंगे कि ये केमिकल जरूर रखा था कि ये आवासीय है और यहाँ पे इन्होंने ये पता नहीं कौन सा केमिकल अभी। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ फैसिलिटीज ऑफ नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, क्वालिटी एजुकेशन, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी, डांस, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, रोबोटिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्केटिंग, कराटे क्लासेस, इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज, यूज प्लेग्राउंड फॉर किंडरगार्टन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री लैब एंड स्मार्ट लाइब्रेरी, वेल मेंटेन कंप्यूटर लैब एंड क्लासेस, हाईली सिक्योर एंड GPS ट्रैक कन्विंस फैसिलिटीज, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place.
आई एम स्टूडेंट ऑफ जीवनदीप महाविद्यालय. आई एम प्राउड ऑफ महाविद्यालय फॉर एक्सेलेंट फैकल्टी, बेस्ट सपोर्ट एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट प्लेस. आई एम स्टूडेंट ऑफ जीवनदीप महाविद्यालय. आई एम प्राउड ऑफ महाविद्यालय फॉर एक्सेलेंट फैकल्टी, बेस्ट सपोर्ट एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट प्लेस. ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है. देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर वाराणसी के तत्वाधान में दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई. देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर वाराणसी के तत्वाधान में दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली शुभारंभ देवा सेंटर के निदेशक डॉक्टर तुलसी के निर्देशन में कमक्षा चुंगी प्रांगण से किया गया. रैली में दिव्यांग बच्चों, वयस्कों, उनके माता पिता, संस्था के अध्यापक, अध्यापिकाओं के साथ प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे. रैली रथयात्रा सिगरा मलदैया आंध्रापुर कचहरी होते हुए विकास भवन स्थित जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी वाराणसी के कार्यालय तक पहुंचा. तत्पश्चात जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी रामप्रकाश सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को आगे बढ़ाया गया. इस अभियान में मुख्य रूप से डॉक्टर तुलसी संस्था के सचिव श्यामलाल पटेल, विजयपाल, पूनमला, मोनिका सिंह, साधना जायसवाल, अनुपम श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार, राजू पटेल, संजय सूरज, उदय दिलीप मौजूद थे. मैं डॉक्टर तुलसी और पिछले 30 वर्षों से दिव्यांगों की सेवा में वाराणसी में लगा हुआ हूं और मेरी सभी दिव्यांग भाइयों से और बहनों से प्रार्थना है कि वो जरूर 1 जून को अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस देश की गरिमा को और बढ़ाएं. इसलिए मैं चाहता हूं कि एक भी दिव्यांग जन छूटे ना, चाहे वो किसी प्रकार का भी दिव्यांग जन हो. जरूरी है कि वो जरूर अपना मताधिकार का प्रयोग करे और इस राष्ट्र को और समृद्ध बनाए. धन्यवाद. केंद्रीय कारागार में गायत्री परिवार द्वारा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ज्ञानवर्धक पुस्तकालय की स्थापना की गई. बुधवार को वाराणसी के केंद्रीय कारागार में गायत्री परिवार के नानूपुर के ट्रस्टी गंगाधर उपाध्याय ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ज्ञानवर्धक पुस्तकालय का स्थापना किया. वरिष्ठ जेल अधीक्षक श्री रामकृष्ण मिश्र, जेलर श्री आर के मिश्रा एवं जेल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अभिषेक सिंह, गायत्री परिवार के जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय, जिला सह समन्वयक श्री घनश्याम राम शक्तिपीठ के सक्रिय कार्यकर्ता अवधेश सिंह, सीआरपीसी डॉक्टर अलका सिंह एवं भोपाल उप जोन के समन्वयक रघुनाथ प्रसाद हजारी, भोपाल से पधारे हुए बंदी साधना अभियान के प्रांतीय संयोजक प्रेम लाल कुशवाहा, मीडिया प्रभारी अनुराग कुशवाहा, लखनऊ से श्रीमती सीमा वैद्य जी, सुनील वैद्य, निधि वर्मा जी उपस्थित रहे. आज जो है शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य की स्थापना हुई. यह कारागार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम बदलेंगे युग बदलेगा और हम सुधरेंगे युग सुधरेगा के सिद्धांतों के तहत गायत्री परिवार काम कर रहा है. और सुधरने का सबसे बड़ा माध्यम साहित्य है. साहित्य से हम आचार्य जी के विचारों से जुड़ सकते हैं और यह प्रयास किया गया है कि कारागार में उनके साहित्य की स्थापना करके और फिर बंदियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे कि लोग उनके विचारों से जुड़ें और अपने जीवन में सुधार ला सकें. इस अवसर पर कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक महोदय और कारागार महोदय तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे. करीब 200 से 300 की संख्या में बंदी जो है मौजूद रहे, जो कि अन्य बंदियों को प्रेरणा देने का काम करें, ऐसा योजना है. नई सुबह एक उम्मीद संस्था द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई. नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा पहले मतदान फिर जलपान मुहिम के अंतर्गत करौंदी वार्ड में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई. करौंदी वार्ड के पंचायत भवन पर नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा महिलाओं के साथ संगोष्ठी करने के बाद मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता ने किया. कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय महिलाओं को मतदान करने के प्रति जागरूक करने के बाद पूरे गांव में रैली के माध्यम से घर घर जाकर सभी को 1 जून को होने वाले मतदान के विषय में जागरूक करते हुए 100% मतदान करने की अपील की गई. महिलाओं को जागरूक करते हुए संस्था अध्यक्ष ममता ने बताया कि हमारा एक एक वोट अपने देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. हम अपनी पूरी ईमानदारी और समझदारी के साथ अपने देश की सरकार को चुने, क्योंकि हमारा पूरा भविष्य और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी इस पर निर्भर करता है. हम सभी को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जो लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं, उनको मतदान जरूर करना चाहिए. यह मतदान बहुत सोच विचार कर तथा बिना किसी के बहकावे में आए करना चाहिए, क्योंकि इस मतदान पर ही हमारा वर्तमान भविष्य सब कुछ निर्भर करता है.
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों को मतदान करने के प्रति शपथ भी दिलवाया गया। क्षेत्रीय महिलाओं ने रैली के दौरान हैंड स्टिक स्लोगन के माध्यम से पहले मतदान फिर जलपान, नर हो या नारी मतदान है सबकी जिम्मेदारी, आओ मिलकर अलग जगाएं, शत प्रतिशत मतदान कराएं, लोकतंत्र का सम्मान करें, निर्भय होकर मतदान करें, वोट हमारा है अधिकार, कभी न करें इसको बेकार, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। रैली में वार्ड की आशा बहुओं तथा आंगनवाड़ियों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने में रैली के दौरान संस्था के वॉलंटियर विजय कुमार, राजू राय, मोहम्मद अनीश, करम भारती, रवि कुमार, मंगलेश्वर प्रसाद ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रैली में आंगनवाड़ी संतरा देवी, बाबुनी देवी, इंदु श्रीवास्तव, संध्या सिंह, प्रभावती देवी, हीरावती देवी, सुनीता देवी, चंदा पांडे, सीता देवी, मृति देवी, सरोज, निर्मला, शिताब्दी, रीतु देवी, आशा देवी, आशा सिंह, प्रभावती देवी आदि महिलाएं उपस्थित रही। जी, हमारा और हमारी टीम का उद्देश्य मात्र एक है यहाँ पे कि करौंदी वार्ड में आज आशा, आंगनबाड़ी, यहाँ की बेलो सभी के साथ मिलकर के एक जागरूकता रैली निकाली गई है। 1 जून को हमारा मतदान होने वाला है और हम सभी को गली मोहल्ले में जाकर के नारा के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप सभी लोग 1 जून को अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि मत की वजह से ही हम अपने देश का विकास करते हैं और वो हमारा निर्णय महत्वपूर्ण होता है हमारे देश के विकास के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक मत से ही हमारी सरकार गिरती भी है और बनती भी है, तो कहीं न कहीं एक एक व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, तो इसी के प्रति हम लोग आज यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम निकाले हुए हैं और महिलाओं ने कहा है कि पहले वोट दो, सारे काम छोड़ो, पहले वोट दो और पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो इस उद्देश्य को लेकर के पूरे गली मोहल्ले में घूम घूम के हमारी महिलाओं ने लोगों को जागरूक किया है। श्री रामकृष्ण की बाल लीला स्थली रमण रेती महावन मथुरा में 3000 किलो वजन का घंटा लगाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला स्थली रमण रेती महावन मथुरा में 3000 किलो वजन का घंटा लगेगा। रमण रेती धाम स्थित काड़ी उदासीन परिवार आश्रम में गुरुवार 23 मई वैशाख पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में वाराणसी में निर्मित 3 टन वजन का घंटा टंगेगा। यह जानकारी बुधवार को यहां श्री गुरु कांशनी विद्या भवन वाराणसी के ट्रस्टी स्वामी ब्रजेशानंद सरस्वती ने दी। पत्रकार वार्ता में समाज सेवी केशव जालान व निधि देव अग्रवाल ने बताया कि मथुरा से कुछ दूर गोकुल क्षेत्र में स्थित रमण वन या रमण रेली नामक यह स्थान बीते युग की कहानियों से सुशोभित है। यहाँ की रेत पर श्री कृष्ण अपने चरवाहे मित्रों के साथ खेलने आते थे। यह वह स्थान है जिसे श्री कृष्ण ने अपने प्यार राधा से मिलने के लिए चुना था। वहाँ रमण बिहारी जी के प्राचीन मंदिर के साथ कुछ अन्य दिव्य मंदिर, एक अभयारण्य और तपस्या के लिए संतों का प्रिय स्थान है। तीर्थयात्रियों के लिए भी सभी सुविधाएं रमण रेती धाम क्षेत्र में उपलब्ध है। स्वामी ब्रजेशानंद ने बताया कि लगभग 3000 किलो वजन के इस घंटे को ढालने में मुख्य धातु पीतल के साथ कुछ अन्य धातुओं को भी इस्तेमाल किया गया है। इसे गुरु शरणानंद जी के सानिध्य में आयोजित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान के साथ रमण रेती धाम में स्थापित किया जाएगा। इतना विशाल घंटा लगवाने का लाभ पूरे रमण रेती धाम को मिलेगा। मंदिर के घंटे की आवाज कान में पहुंचने पर दर्शन जैसा ही लाभ मिलता है। इस विशाल घंटे को आज सड़क मार्ग से मथुरा भेजा जा रहा है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।